बड़ा अजीब इत्तेफाक है। पहले घर के मुखिया अटल सिंह को मारा गया, फिर उनके बड़े बेटे केदार सिंह को, और फिर केदार सिंह के बेटे सूरज सिंह को। ऐसा कौन हो सकता है जो घर की तीन नस्लों का सफाया करके किसी बिल में छुपा बैठा है, या फिर अच्छाई का मुखौटा पहनकर इस घर के हितैषी होने का दिखावा कर रहा है। एसपी साहब, अब तक तो आप हम सबको अपने गिरेबान में झांकने का सुझाव दे रहे थे, अब पता चला दुश्मन घर का नहीं, कोई बाहर वाला है। घर का भेदी भी लंका ढा सकता है। आप अब भी हम सब पर उंगली उठा रहे हैं। आस्तीन के सांप दिखाई नहीं देते, हो सकता है जहर आपके अंदर भरा पड़ा हो। क्या बकवास है, आपके पास तो मकसद भी था और साथ भी। सर, आप बिना फिर से बीती बातों को लेकर बैठ गए। हम मानते हैं कि भाई के कत्ल का शक है आपको हम पर और भाभी पर, लेकिन आप खुद एक बार सोचिए जरा कि हम अपने पिता और एक माँ अपने बेटी की हत्या कैसे कर सकती है। हम तो यहाँ सिर्फ आप लोगों के चेहरे पढ़ने आए हैं, लेकिन एक चेहरा ऐसा है जिसे बार बार देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे इस घर का सदस्य माने या ना माने। ये हमारे पिताजी के बहुत वफादार हैं, चाचा बुलाते हैं हम इन्हें। हमने इस घर का नमक खाया साहब। हम कौन सा तुम्हें गोली खिला रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई तुम्हें दगाबाजी का टॉनिक जरूर पिला रहा हो। क्यों मृदुला जी, आप तो जितनी ऊपर हैं उतना जमीन के नीचे रेंगती हैं। आप फिर अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं। हो सकता है आपने सबकी पीठ में छुरा घोंपा हो, क्योंकि आपको तो ऐसा लगता है कि आपकी पीठ में छुरा घोंपा गया था। मतलब क्या है आपका। आप अपने पिता और भाई दोनों से नफरत करती थी। पिता से इसलिए क्योंकि आपको लगता था कि आपके पति की हत्या में उनका हाथ था, और भाई से इसलिए कि उसके रहते आप अटल सिंह की वारिस कभी बनी नहीं पाएंगे। इसलिए केदार सिंह के बेटे सूरज सिंह को मारकर इस खानदान के वारिस का खात्मा कर दिया। बस, अब एक शब्द भी और बोले ना तो मान हानि का मुकदमा कर देंगे हम आप पे। आपके पास कोनो सबूत है हमको दोषी करार देने का? नहीं ना, तो अपनी जबान पे ताला लगा लो, वरना। एसपी साहब, आप गलत दिशा में तहकीकात कर रहे हैं। हम मानते हैं कि इस घर में आपस में सब लोग एक दूसरे से द्वेष करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को मार देंगे। माँ जी, आप तो बुजुर्ग हैं, आप हमें बता सकती हैं कि ऐसा कौन हो सकता है जो इस खानदान से अपनी दुश्मनी निकाल रहा हो। हमें तो पहले से ही लग रहा था सिवाय शैलेश सिंह के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। और उसकी वजह आप ये बताएंगी कि शैलेश सिंह की टिकट अटल सिंह को मिल गई। इस दुश्मनी की कोई और वजह भी हो सकती है सर। शैलेश सिंह की बेटी का तुमसे रिश्ता ना हो पाना। नहीं सर, हम उस वजह के बारे में आपको बताना चाहते हैं जो 19 साल पहले पैदा हुई थी। 19 साल पहले? 19 साल पहले बाबूजी ने शैलेश सिंह से उसकी जमीन सस्ते दामों में खरीदी थी, और फिर वही जमीन बाबूजी से सरकार ने फ्लाईओवर बनाने के लिए 3 गुना ज्यादा दामों पर खरीद ली। शैलेश सिंह को लगा बाबूजी ने उसको ठगा है, धोखा दिया, लेकिन शैलेश सिंह की मां की मर्जी से ही वो जमीन बेची गई थी। एसपी, ये क्या हो रहा है? देखो, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। एसपी, ये पुलिस या गुंडागर्दी बंद कर दो, नहीं तो तुम जैसे नेताओं को तलब करने के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। तुम्हारे ऊपर वालों तक पहुंचे मेरी। उससे पहले अगर मैंने तुम्हें ऊपर पहुंचा दिया तो किस ऊपर वाले से बात करोगे? अभी जो पूछा जाए उसका सीधा सीधा जवाब दो, वरना जानते हो ना क्या हो सकता है। खींच दूं उंगली। पूछो पूछो, जो पूछना पूछ लो। ये बंदूक बंदूक नीचे कर लो, नीचे करो, नीचे करो। बोलो, क्या षड्यंत्र रचा तुम लोगों ने? आपको कोई कंफ्यूजन हो गया हमारे बारे में? हम कोई षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं। अरे, हम जानते तक नहीं ये बिट्टू चौहान है कौन, और उसने हमारे नंबर पर फोन क्यों किया है। मतलब तुम अभी वहीं के वहीं खड़े हो जहां हमने तुम्हें छोड़ा था। देखिए, हम मानते हैं कि अटल सिंह के साथ हमारी कट्टर दुश्मनी थी, लेकिन हम इतने बेवकूफ नहीं कि उसके सारे खानदान को खत्म करके हमारा पॉलिटिकल करियर खत्म कर दें।
तो शैलेश सिंह, अटल सिंह के वफादार सोहन सिंह का तुमसे मिलने का क्या राज था? किस राज की बात कर रहे हैं आप? ज्यादा चालाकी मत करो, हम सब कुछ पता करके आए हैं। जब से एक कांड शुरू हुआ है, सोहन सिंह लगातार तुमसे मिल रहा था। इस कांड को अंजाम देने का षड्यंत्र रच रहे थे ना तुम? क्या योजना थी तुम्हारी? हम कोई योजना नहीं बना रहे थे। अरे वो दल बदलू तो हमारे पास काम मांगने के लिए आया था। वो कह रहा था कि अटल सिंह के सारे कारोबार के बारे में हमें जानकारी देगा। हाँ, कहानी अच्छी है। साहब ये कहानी नहीं है, सच है। तो फिर उसे रखा क्यों नहीं अपने पास? अगर तुम अटल सिंह को मारना नहीं चाहते थे तो सोहन सिंह को अपने पास रख के अटल सिंह को दिवालिया तो बना सकते थे। उसे हमारे पास रख के हम दिवालिया बन जाते, तो इसलिए हमने उसे काम पे नहीं रखा। हमें तो पहले से ही पूरा शक था कि अटल सिंह ने उसे भेजा हमारे पास हमारे कारोबार के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। शैलेश सिंह, आदमी तुम बहुत चालाक हो, लेकिन याद रखना, जिस दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ एक सबूत मिल गया ना, तो आपकी जूती और हमारा सर। हाँ, कहाँ जा रहे हैं सोहन बाबू? तीर्थ पर जा रहे हैं साहब। क्यों, पाप बहुत बढ़ गए हैं क्या? कैसी बात कर रहे हैं साहब? दरअसल हम तो अटल जी के खानदान की सलामती के लिए दुआ करने के लिए जा रहे हैं साहब। तो शैलेश सिंह के पास नौकरी किसकी सलामती के लिए मांगने गए थे? शैलेश सिंह के पास नौकरी हम मांगेंगे? हाँ, अटल सिंह की पीठ में छुरा घोंपने की योजना तुमने शैलेश सिंह के साथ मिलकर बनाई थी। कैसी बात कर रहे हैं साहब? दरअसल साहब, कुछ रोज पहले हमें पैसों की बहुत जरूरत आन पड़ी थी, तो हमने अटल जी से मांगे। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा इलेक्शन का टाइम है, फिजूल खर्ची वो नहीं कर सकते। अब आप ही बताइए ना साहब, जब उन्हें हमारी परवाह नहीं है तो हम उनके यहाँ नौकरी काहे करें? इसलिए तुमने दर बदल लिया और शैलेश सिंह के साथ मिलकर अटल सिंह के परिवार का खात्मा कर दिया। कैसी बात करें साहब, ये नीच हरकत हम नहीं कर सकते साहब। हम धरती मैया की कसम खा के कह रहे हैं साहब, गीता पे हाथ रख के हमने मुजरिमों को झूठ बोलते देखा है, इसलिए तुम्हारी ये कसम हमारा शक दूर नहीं करेगी। शाह, तलाशी लो उसके घर की। सब वो मिश्रा, वहां देखो, वहां देखो। सर ये देखिए। सर इस बैग में ये बम बनाने का सामान मिला है। धरती में ही गाड़ दें अब। लेके जा सर। हम सच कर रहे हैं साहब, हमने कुछ नहीं किया। आप ही बताइए साहब, अगर हमने बम बनाया होता तो क्या बम बनाने का सामान हम अपने घर में छुपाते? हमें फंसाया जा रहा है सर। कौन फंसा रहा है? वीर सिंह। क्यों? अब ये तो हमें नहीं पता सर, लेकिन हाँ, पिछले कई हफ्ते से वो अटल जी की कंपनी अकाउंट से पैसे निकाल रहा है और शायद उसे शक हो गया कि हम उसकी छानबीन कर रहे हैं, इसीलिए हमें फंसा रहा है सर। शाह, क्रॉस वेरीफाई करो, सोहन सिंह जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो वाकई में सच है या फिर वो वीर का नाम लेके अपना ही कुछ षड्यंत्र कर रहा है? सर वो वीर आया है। सर, सर हम सोहन जी की अग्रिम जमानत लेकर आए हैं, आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। उस आदमी के घर से बॉम्ब बनाने का सामान मिला था, जिस आदमी ने तुम्हारे पिताजी को मारने का षड्यंत्र रचा, तुम उसकी जमानत लेके आए हो? सर हमें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ भी किया है, उन्हें कोई जरूर फंसा रहा है। कौन फंसा रहा है? ये तो हमें नहीं मालूम सर, बस हम इतना जानते हैं कि हम उनको छुड़ाने के लिए आए हैं और आप उनको प्लीज छोड़ दीजिए। ये बेल पेपर से सर। आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? दीदी हमने जमानत कराई है इनकी। क्या, तुम इसकी जमानत कैसे करवा सकते हो? इसने हमारे बाबूजी का जान लिया है, हमारे सूरज की जान ली है। भाभी सुनिए मेरी बात, सुनिए, इन्होंने किसी की जान नहीं ली है, इनको सिर्फ फंसाया गया। तुम भोले हो इसलिए इसकी बातों में आ गए, लेकिन हम इसकी बातों में नहीं आएंगे।
ये है हत्यारा। हमने किसी को नहीं मारा है। तो फिर बॉम्ब बनाने का सामान तुम्हारा घर से कैसे मिला? हमसे ऐसा सवाल मत करो, अगर पूछना है तो अपने लाडले भाई से पूछो ना। बड़ी ही नीच और नमक हराम किस्म के आदमी हैं आप। अपने आप को बचाने के लिए तुम उसी इंसान पर इल्जाम लगा रहे हो जिसने तुम्हारी जमानत करवाई। जमानत हमें बचाने के लिए नहीं करवाई है, अपने आप को बचाने के लिए करवाई है। सोहन चाचा, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं साफ साफ बोलिए ना। पिछले 3 हफ्ते से तुम्हारे इशू किए हुए चेक से कंपनी के अकाउंट से कैश निकाला जा रहा है। 2 करोड़ रुपया अभी तक निकाला जा चुका है। किन चेक्स की बात कर रहे हैं आप? मैंने कोई चेक इशू नहीं किए और ना ही कोई पैसा निकाला है। क्या वीर को वाकई नहीं मालूम था कि उसके द्वारा साइन किए हुए सेल्फ बेयरर चेक्स के जरिए उसके पिता की कंपनी से पैसे निकाले जा रहे थे, या फिर वो दिखावा कर रहा था? जाहिर था कि इस खुलासे के बाद वीर के परिवार का विश्वास उस पर से डगमगाने लगा था। इन सब बातों से यही अनुमान लगाया जा सकता था कि या तो भोला भाला दिखने वाला वीर सच में इन सब वारदातों के पीछे था, या फिर बाकियों की तरह वो भी परिस्थिति का फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करने में लगा था। लेकिन जब पुलिस ने इन कारणों की तहकीकात शुरू की तो एक और षड्यंत्रपूर्ण कहानी उभर कर सामने आई। सर, ये सिग्नेचर जाली है, वीर के सिग्नेचर से मैच नहीं हो रहा है। मिश्रा, बैंक का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, पता लगाओ ये चेक्स कौन क्लियर करवाने आ रहा था। सर, सर ये देखिए, बैंक के टोकन के हिसाब से ये आदमी पैसे निकलवाने आया था। मुझे ये आदमी जल्द से जल्द चाहिए। सर बोल, किसने दिए थे तुझे ये चेक? बोल बोल। बता दो। ऋचा के कहने पे साहब। ऋचा से क्या कनेक्शन है तेरा? ऋचा हमारी गर्लफ्रेंड है, सारे चेक उसी ने हमें दिए। धीरे धीरे सारे पैसे निकाल के भाग जाने का प्लान था साहब। ऋचा कहाँ है? अपना कमरे में होगी, पर आज कहाँ पूछने आए आप उससे? जिन चेक से वीर के जाली साइन लेकर पैसे निकाले गए थे उसमें ऋचा का हाथ है। ऋचा को लेकर आओ। सर, आपको फिर से कोई गलत फहमी हो रही है। ऋचा, हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है। पैसे निकालने के बाद ऋचा का अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने का प्लान था। बॉयफ्रेंड? देख लिया अम्मा, हम आपको बड़के भैया के कत्ल वाले दिन से ही कह रहे हैं कि वो औरत हमारा खानदान पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। अब तो हमको यकीन हुई गवाह कि हमारा बाबूजी का और सूरज का कत्ल उसी ने किया है। सर, ऋचा कमरे में नहीं है। मिश्रा, अपने आदमियों से कहो गांव को चप्पा चप्पा छान मारे, मुझे हर हालत में ऋचा चाहिए। सर, सर आपको क्या लगता है ऋचा ही सारी हत्याओं की मास्टरमाइंड है? हो सकता है शाह, लेकिन वो अकेली औरत इतने बड़े कांड नहीं कर सकती, जरूर कोई उसके साथ मिला हुआ है। गोलू, तुम्हें पता है हम बहुत अकेले पड़ गए। सूरज भैया भी हमें छोड़कर चले गए और पापा भी। स्वाति, क्या कर रही हो यहाँ? अंदर चलो, मना किया था ना तुझे बाहर जाने के लिए? क्या हुआ? दादी, हमने वहां किसी को देखा है। कोई नहीं है बेटा वहां, चलो अंदर तुम, चलो आ जाओ, आ जाओ। दादी हम सच कह रहे हैं, हमने वहां सच में किसी को देखा था। किसको देखा था बेटा? उसने काले कपड़े पहने थे, एकदम ड्रैकुला जैसे। ड्रैकुला जैसा? आप उसको अंदर लेके चलिए, हम देखते हैं, हम चेक करके आते। ए मानसिंह, कोई दिखा क्या? कोई नहीं साहब। दीदी कहाँ जा रही हैं आप? मंदिर जा रहे हैं, और कहाँ? दीदी लेकिन इस वक्त आपका अकेले बाहर जाना ठीक नहीं होगा, हम चलते हैं आपके साथ। हमारी चिंता छोड़ो, हम आते हैं। हमें शक है ऋचा के साथ कोई और भी मिला हुआ है। पिछले कुछ दिनों में आपने ऋचा को किसी और से मिलते हुए देखा है? ऐसा हमें तो कुछ मालूम नहीं सर। अगर आपको पूछना ही तो जाके उसके बॉयफ्रेंड से जाके पूछिए ना।
मृदुला जी कहाँ हैं? हाँ वो मंदिर गई। किसके साथ? अकेले गई। आपने उन्हें अकेले क्यों जाने दिया? आपको पता है उनकी जान को खतरा हो सकता है। मंदिर आई नहीं। आई नहीं? वीर को कॉल करो। स्विच ऑफ। घर पर भी फोन नहीं उठा रहा सर। मूव। इसे उठा। सांसें चल रही हैं। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। सब डेड। आप कहाँ थे दिन? सर हम फैक्ट्री में थे, हमें वहीं हादसे का पता चला। मृदुला कहाँ है? हमें नहीं पता, हमें तो लगता है कि क्या लगता? अब देखिए ना, पहले ऋचा गायब हुई, उसके बाद मृदुला। ऐसा तो नहीं कि कहीं ये दोनों मिले हुए हों? अटल सिंह के परिवार का अब सिर्फ इकलौता सदस्य वीर ही पुलिस की आंखों के सामने था। बाकी जिंदा बचे लोग आखिर कहां थे, इससे पुलिस भी सकते में थी। माना यह जा रहा था कि शायद ऋचा ही थी जो अटल सिंह के किसी दुश्मन के साथ मिलकर अपने परिवार को नुकसान पहुंचा रही थी, लेकिन अपने बेटे सूरज की हत्या में उसका हाथ होना कहीं ना कहीं उसकी भागीदारी पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा था। लेकिन मृदुला के गायब होने के बाद वीर के परिवार पर हुए हमले की कहानी इन हादसों में मृदुला की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रही थी, और सोहन सिंह का मृदुला और ऋचा के मिले होने का संकेत देना उसे भी पुलिस की शक की सूची में शामिल कर रहा था। फिलहाल पुलिस को इंतजार था वीर के होश में आने का, और साथ ही साथ वो इस तलाश में भी जुटी थी कि आखिर वीर की माँ मीनाक्षी और भतीजी स्वाति इस वक्त कहाँ हो सकते हैं। सर वीर अब खतरे से बाहर है, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया। उसे जैसे ही होश आया हमें उसका बयान लेना है, क्योंकि अटल सिंह के घर जो कुछ भी हुआ उसमें वो अकेला आई विटनेस है। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से बंगले से जो फ्रूट्स मिले हैं उसमें सेडेटिव्स है, और बंगले की एक कार भी गायब है। इसका मतलब किडनैपर्स ने किडनैपिंग करने के लिए बंगले की गाड़ी यूज की। उस गाड़ी का नंबर हर चेक पोस्ट हर टोल नाके पे सर्कुलेट करो। सर शाह तुम गाँव चले जाओ, पता करो हाल फिलहाल में गाँव के अंदर या आस पास किसी अनजान आदमी को देखा गया है, इससे हमें किडनैपर्स का कोई क्लू मिल सकता है। सर इसने किसी आदमी को ठाकुर साहब के बंगले के पास देखा था? मैंने उसे इस गांव में पहले कभी नहीं देखा, पर हाँ साहब वो ठाकुर साहब के बंगले की तरफ ध्यान से देख रहा था, जैसे वो उसमें घुसने की फिराक में हो। उसका हुलिया बता सकते हो? साहब आदमी काले रंग का कपड़ा पहना हुआ था, जैसे सपेरे पहनते हैं। सपेरा? शक्ल देखी थी उसकी? उसका स्केच बनाने में हमारी मदद कर सकते हो? हाँ साहब। सर स्केच तैयार है। शाह सोहन सिंह को बुलाओ। सर पहचानते हो इसे? हाँ साहब अच्छे से पहचानते हैं। देखो अभी तो हमने आधा सच बताया, और खामोश रहने के लिए हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए। अगर सोहन सिंह की बताई कहानी सच्ची है तो इस आदमी के पास बहुत बड़ा मोटिव है अटल सिंह के परिवार से बदला लेने का। शाह सोहन सिंह बता रहा था कि ये आदमी पथारा गांव में रह रहा था, तुम पथारा गांव जाओ और इस आदमी की तलाश शुरू करो। सर
सर ये आदमी इसी भट्टे पे काम करता है पर 3 दिन से दिखा नहीं। सर उस आदमी का पता चल गया है, पथारा गांव में एक ईंट की भट्टी पे काम करता है लेकिन 3 दिन से गायब है। हो सकता है ये आदमी ऋचा या मृदुला से मिला हुआ हो, इसकी तलाश तेज कर दो। अटल सिंह की बीवी और पोती दोनों अगवा हैं और इस आदमी के जरिए हम उन तक पहुंच सकते हैं। सर एक इन्फॉर्मेशन मिली है, एक अनजान सपेरा गांव के बाहर एक झोपड़े में रह रहा है। जाके पता करो कहीं वो हुलिया बदल के तो वहां नहीं पहुंच गया। हाँ मिश्रा। सर बंगले से जो कार गायब हुई थी उसे हाईवे के पास जंगल में दिखा गया है, हम वहीं जा रहे हैं सर। लोकेशन का एड्रेस SMS करो मुझे। मिश्रा गाड़ी में से कुछ मिला? नहीं सर, लगता है सारे सबूत मिटाने के बाद गाड़ी यहाँ छुपाई गई। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, शायद कोई लीड मिले। सर खोदो रुको रुको। वर्मा बॉडी को बाहर भागा क्यों था? आप लोगों के डर से था। मासूम बनने का दिखावा मत कर, सब जानते हैं क्या हस्ती है तू। विजय सिंह हो ना तुम, अटल सिंह के छोटे भाई। नहीं नहीं साहब, हम तो गए। सब पता कर लिया है हमने, क्या अपराध किया था तूने 19 साल पहले। हाँ, हम अटल सिंह के भाई लेकिन हमने कोई अपराध नहीं किया था, पता आ गया था हमको। भैया 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 कहाँ हो गया है? भैया ने खुद हमें वहां बुलाया था, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और गांव वाले हमें ना सिर्फ उस औरत का हत्यारा बल्कि क्या सोच रहे हो, हमारा भाई है तो पक्ष लेंगे उसका, अपराध किए है तो सजा मिलेगी। भैया हम कुछ नहीं। चुप, हमारा तेरे से कोई रिश्ता नहीं, निकाल बाहर फेंको इसे गांव से। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। हम बहुत बोले पर भैया हमारी एक बात नहीं सुने और गांव वाले हमें मार के गांव से बाहर निकाल दिए। 19 साल से हम खाना बदोसी की जिंदगी जी रहे हैं साहब, न अपने घर आ सकते हैं न अपने गांव आ सकते हैं। लेकिन तू वापस आया, अब ये बता कि किस मकसद से आया
और किसके कहने पे आया? हम सुने थे कि अटल उसके बेटे और पोते की हत्या हो गई है, तो हम अपनी भाभी से मिलने से अपने आप को रोक नहीं पाए साहब। तो फिर हमें देखकर भागा क्यों था और ऐसे सपेरा बन के क्यों घूम रहा है? हमारा गांव में आना जाना मना है, इसके लिए हम ये भेष बदल के घूम रहे हैं साहब, और भागे थे आप लोगों के डर से साहब। भागा इसलिए था क्योंकि मृदुला को मारकर उसकी लाश झोपड़े के पास गड्ढे में छुपा रखी थी। हमने तो 19 साल से मृदुला को नहीं देखा है, और हम अपने भतीजे को काहे मारेंगे साहब? ऋचा कहाँ है? कौन ऋचा? जब तक ये सच ना बोले वर्मा, जम के धुनाई करो इसकी। हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं। हेलो, ओके सर, हॉस्पिटल से फोन आया था, वीर को होश आ गया। ठीक है, तुम हॉस्पिटल जाओ। सर नहीं, सर पहले हमने कभी इसे देखा नहीं। पक्का? पक्का सर। अगर इस आदमी ने तुम्हारी फैमिली पर अटैक नहीं किया तो फिर किसने किया? सर हमने उसका चेहरा देखा नहीं। तो फिर उसने तुम्हारी फैमिली को किडनैप कैसे किया? किडनैप? हाँ, तुम्हारी माँ और स्वाति को किसी ने किडनैप कर लिया। अम्मा और स्वाति? हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अम्मा स्वाति को खाना खिला रही थी, तभी दरवाजे पर घंटी बजी। बात से हमें कुछ याद नहीं है सर। सर अम्मा और स्वाति प्लीज ढूंढिए सर उनको। हम पर भरोसा रखो, हम उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। सर ना ही वीर विजय को पहचान पाया और ना ही विजय ये कबूल कर रहा है कि उसने कुछ भी किया है। अगर विजय ने वहां हमला नहीं किया तो उसके अलावा कौन हो सकता है? हाँ मिश्रा, ठीक है हम पहुंचते हैं। सर सोहन ने दिल्ली की टिकट्स बुक करवाई हैं, वो फिर से भागने की फिराक में है। क्या हुआ साहब? आप कौन सी यात्रा पे जा रहे हो? लिखी खोलो जी। साहब वो सोचा कि थोड़े दिन के लिए गांव से बाहर होकर आता हूँ। सर इतना सारा कैश कहाँ से आया तेरे पास? साहब ये मेरे जिंदगी भर की कमाई है। झूठ बोलेगा तो बाकी की सारी जिंदगी जेल में कटेगी तेरी। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, मैं सच सच बोल रहा हूँ साहब। जब तक ये सच ना बोले पीटते रहो इसे। नहीं साहब, साहब सुनिए सर, बहुत तोड़ा मगर जबान नहीं खोल रहा। एक काम करो, इसके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, जिससे भी इसने पैसे लिए होंगे ये जरूर उसके टच में होगा। हमने सोहन के फोन रिकॉर्ड स्कैन किए, ये नंबर देखिए। इस नंबर से सोहन ने उसी वक्त बात की थी जब सोहन ने हमें विजय के बारे में बताया था। ये नंबर किसका है? किससे बात की थी तूने हमें विजय के बारे में इंफॉर्मेशन देने के बाद? देखो अभी तो हमने आधा सच बताया, और खामोश रहने के लिए हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए। यस सर। क्या प्रोग्रेस है? बस थोड़ी देर में सर, अपडेट करते रहो। प्लीज मुझे छोड़ दो।
छोड़ने के लिए भगाया था। रुक जाओ वीर, बहुत दौड़ा लिया। जो अपने जिस्म को काट कर खुद को पीड़ित दिखाने का दिखावा कर सकता है, उसकी तुलना किससे की जाए? खून पीने वाले दरिंदे से या उस छोटी सी दीमक से जो अपने पे आ जाए तो आशियाने जर्जर कर देती है? दरिंदे और दीमक तो बहुत छोटे से उदाहरण ले लिए साहब आपने हमारे लिए। हम तो सर पे कफन मान के चले थे, हम तो सोचे थे कि मारने वाले को ऐसी मौत दें कि वो पांच तत्वों में विलीन भी ना हो पाए, लेकिन हर मरने वाला हमारा दुश्मन था भी नहीं ना सर। कुछ मौतें तो ईंधन का काम करती रहीं इस तबाही की आग में। बेचारी अनीता, हमारे प्यार के नाम पे कुर्बान होना पड़ा सर उसे, और जरिया बने बिट्टू बाबू जो चंद पैसों के लिए केदार सिंह को फंसाने का मोहरा बना हमारे लिए। जी कहाँ है? तुम बताते क्यों नहीं वीर जी कहाँ है? लेकिन अनीता की कुर्बानी भी केदार सिंह का कुछ बिगाड़ नहीं सकी सर। फिर हमने इस्तेमाल किया केदार सिंह की रखेल श्वेता का। क्या हुआ, मुझे यहाँ पे क्यों बुला? केदार कहाँ है? अंदर है। हमने बिट्टू का इस्तेमाल फिर किया सर, बम प्लान करवाया हमने उससे अटल सिंह के मंच के ठीक नीचे। बहुत अफसोस हुआ हमें, सलब बच गया। इसलिए तूने अटल सिंह को हॉस्पिटल में मरवा दिया? मरवाया नहीं सर, हमने खुद मारा उस साले को अपने हाथों से। लाइट कैसे चला गया? पता नहीं सर। तुम्हारे अस्पताल में पावर बैकअप जैसी चीज नहीं क्या? है सर, पर पता नहीं है कैसे। कौन है? रुक, रुक, रुक। अटल सिंह के बाद अगला नंबर था केदार बाबू का, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के मुंह से अनीता के बारे में सुन लिया था। प्यार करते हैं हम तुमसे भी, अनीता से भी ज्यादा। प्लीज हमें ना टुकराओ। क्या हुआ भैया, आपने बुझाया बुला? हमें तेरा सारा खेल पता चल गया है। हमें जेल भिजवा कर हमारी बीवी को अपनी रखेल बनाना चाहता है कमीने। नहीं भैया, आपको कोई गलत फहमी है। ऋचा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? केदार, केदार। अटल सिंह को मारा, केदार सिंह को मारा, मृदुला की जान ली, पर उस नन्ही सी जान सूरज से तेरी क्या दुश्मनी थी? मृदुला को तो हमने मंदिर जाने से पहले ही मार दिया था सर, और जहां तक बात रही उस नन्ही से बच्चे की, चाचू जिसने भी हमारे पापा को मारा होगा ना, उसे हम छोड़ेंगे नहीं, बदला लेंगे। हाथ जरूर कांपे थे हमारे, उसके इरादे से हम डरे नहीं थे, लेकिन हमारे घाव और भी हरे हो चुके थे। ये हमारा प्रतिशोध था, बदला। उस बच्चे की आंखों में हमें हमारा अतीत का दर्द दिख गया था। हमने नहीं मारा उसको सर, बिट्टू से मरवाया, और वो बिट्टू का भी आखिरी कत्ल था। उसके बाद अपने अपनी आंखों से देखा ना सूरज के साथ बिट्टू की लाश को।
नफरत का ये जो मंजर तूने खड़ा किया उसका सच तो तूने उगल दिया। उसका मकसद क्या था वो भी बता दे। तो आप खुद ही बता दीजिए सर। जब भी आप ऋचा, मृदुला, शैलेश, सोहन की गुत्थी पकड़ते थे ना, हमें बड़ा मजा आता था। हमें लगता था जैसे हम चाहते हैं वैसे नाच रहे हैं। तेरा खेल तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तूने विजय को पहचानने से मना कर दिया था, और उसके बाद तेरा वो सब्स्टिट्यूट सोहन सिंह शहर छोड़ने से पहले ही हमने उसे धर लिया, और फिर उसने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी उसके हिसाब से हमने तुझे धर लिया। और रहा तेरे खेल का मकसद, तो वो ये है कि तू अटल सिंह का सगा बेटा नहीं है। किससे बात की थी तूने हमें विजय के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के बाद? बोल सुमन सिंह, ये नंबर किसका है? वो हमें वीर का। वीर सिंह? हाँ साहब, तब वो होश में था और ये सारा कांड उसी का किया। और तूने उसका साथ दिया? नहीं नहीं साहब, हमें तो उसी समय पता चल गया था साहब जब आपने हमें विजय सिंह का स्केच दिखाया था। बस हमने अपनी जुबान बंद करने के लिए उससे 2 करोड़ मांगे थे साहब। ये सारा कांड वीर सिंह ने किया है? तो कहीं ये वीर सिंह विजय सिंह का बेटा तो नहीं है? हाँ साहब, ये उसका ही बेटा है। अटल सिंह ने अपना पाप विजय सिंह के सर पर थोप कर उसे गांव से निकलवा दिया था साहब। बाद में उसका पश्चाताप हुआ, फिर इसने वीर को अपने बेटे की तरह रखा। लेकिन साहब, वीर को सच पता चल गया और वो अपने बाप का बदला ले रहा है साहब। बस यही चूक हो गई थी सर हमसे, जिंदा छोड़ दिया उस सोहन को। अपराधी कितना भी शातिर हो, एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। ले, अपने बाप से मिल ले, तुम्हारे इस खेल का यही अंजाम होना था। बाबूजी, आपको हम पे गर्व है ना? हाँ बेटा, तुमने हमारा बदला पूरा किया। कैसे ना करते बाबूजी, आखिर हमने आपसे वादा किया था। जानते हैं एसपी साहब, 2 साल पहले तक हमें मालूम ही नहीं था कि हम इनके बेटे हैं। काहे निकाले से? याद कर रही थी अपने पुराने दिनों को। किसी ने देख लिया तो? आखिर कब तक हम राज छुपाएंगे? कभी ना कभी तो हमें सच बताना पड़ेगा ना वीर को। सच्चाई बताने की कहाँ जरूरत है? उसके बाप ने जो किया वो? उसके बाप ने कुछ नहीं किया, सब कुछ किया धरा आपका ही था, और फंसा दिया अपने छोटे भाई को। हम सिर्फ सच्चाई पता करना चाहते थे और हम सच्चाई की नींव तक पहुंचे। और फिर एक दिन हम बाऊजी से मिले। कौन हो बेटा? हम आपके बेटे हैं वीर। वीर, वीर, बाऊजी, अम्मा गए बाऊजी? जब हमें गांव से निकाला गया तो हमें कहीं काम नहीं मिला, पर तुम्हारी अम्मा ये कड़ी जिंदगी झेल नहीं पाई। बेचारी भूखमरी और कमजोरी में चल बसी। क्या मिला बदला लेके? तेरे बाबूजी ने सारी जिंदगी मजदूरी की और अब बाकी की सारी जिंदगी जेल में बिताएंगे। कहते हैं कि आप जो बोते हैं वो कई गुना बन के फलता है। इसीलिए कहा जाता है कि नफरत और प्रतिशोध जैसी नकारात्मक भावनाएं जब भी मन में उठें
तो उन्हें कभी भी पलने नहीं देना चाहिए। ये ऐसी भावनाएं हैं जो अगर प्रबल हो जाएं, तो ऐसे अनर्थ की तरफ ले जाती हैं, जहां इंसान अपना आपा खोकर बड़े से बड़ा अपराध करना भी उचित समझने लगता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को, सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।